हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ करौंदा नाला बाईपास और वहाँ की रोड अभी नई नई बनी हुई है और सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे जो रोड बनाई है और कैसी है रोड, किस तरीके से वो काम कर रही है और कैसे लोगों को सहूलियत हो रही है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा। तो मेरे साथ में अभी कौन है? मैं तो ये मेरे भांजे भांजियाँ हैं और ये भी ब्लॉग में बोल रहे थे कि मामा मुझे भी ब्लॉग में वीडियो में आना है, देखना है कैसे वीडियो आप बनाते हो। तो मैंने सोचा चलो इनसे ही स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, तो मैं निकलता हूँ और पूरी रोड का जायजा देता हूँ आपको और बताता हूँ किस तरीके की रोड बनाई है आधारताल से लेके करौंदा नाला बाईपास तक। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। दोस्तों नाश्ता कर लूँ पहले, गुलाब जामुन और नमकीन, फिर निकलता हूँ घर से।
व्यवस्था ये है, बहुत साल भर पहले बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज़रूरतमंद के हिसाब से ये ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है, बनाया हुआ है। बहुत अच्छा ब्रिज है और बहुत दिनों से मांग की जा रही थी कि यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जाए। रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक है, उसको उसके बदले में ये ब्रिज बनाए हुए। देखिए देखिए इसका डिज़ाइन कितना शानदार है। ब्रिज के नीचे और ये ब्रिज, यहाँ पे गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा सा मैंने सोचा आपसे बात करते चलूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव ट्रेन यहाँ से निकल रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेन निकल रही है भारतीय रेलवे, देख सकते हैं आप, मालगाड़ी है, धीरे धीरे जा रही, शायद कोयला है इसके अंदर, ये इस तरीके से आगे जा रही है। आगे सामने खेत हैं तो और पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ के बीच में ढक गई है वो ट्रेन, ज़्यादा देख नहीं पा रही। तो ये देखिए कितनी लंबी ट्रेन है, वो देखिए, वो अगर आप देख पा रहे हो तो जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है पूरी ट्रेन, यहाँ से और ये पूरा एरिया यहाँ, ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेन जा रही है। तो यहाँ पे रेलवे फाटक हुआ करता था, तो रेलवे फाटक कवर करने उसको ट्रैफिक जाम होता था, तो लोग बहुत ट्रैफिक में फंस जाते थे। तो ये देखिए ये है रेलवे फाटक, छोटा सा है, जूम करके बता रहा हूँ, ये रेलवे फाटक। तो इसको ही कवर करके इसके ही ऊपर ब्रिज को बना दिया गया है ताकि लोगों का ट्रैफिक ना हो और लोग आसानी से सुविधा से यहाँ से आगे जा सकें, क्रॉस कर सकें। तो ट्रेन जा रही है, बाय बाय ट्रेन, वापस जल्दी आना, ठीक। ये ट्रेन और ये है वो पुलिया का निर्माण हुआ है जिससे यहाँ से लोग यहाँ से जाते हैं, ये साइड लगा हुआ है, ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये इसी रोड से भी मैं भी आगे जाऊँगा। ये है, तो ये है पूरा ब्रिज। गाइज तो फाइनली आज मैं आ गया हूँ, पूरी ट्रैवलिंग करके, बहुत धूप थी, पोल्यूशन था, मेरा चेहरा देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा वहाँ पे रोड था। रोड तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन धीरे धीरे वर्किंग हो रही है और बरसात आने वाली है, तो जहाँ जहाँ डिवाइडर की जगह खाली है और जो साइड में फुटपाथ की जगह खाली है, पोलिंग जो बूथ हैं, बिजली के खंभे हैं, वो भी उसको अपडेट करना है और उसको हटाना है और नए सिरे से कैसे क्या करना है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस रोड को कंप्लीट कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था हमारा वीडियो, इस वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।